अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच करने जा रहे हैं, जो कि इंग्लिश का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच का मतलब हुआ सेंटेंसेस या वर्ड्स जो भी हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं। पार्ट्स, पार्ट्स का मतलब हुआ कलेक्शन। बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब हुआ कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस और वर्ड्स। तो देखते हैं यह पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं। तो आप देख सकते हो मैंने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच स्क्रीन पर मेंशन कर दिए हैं, जो कि हमारे पास हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो अब इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ब्रीफली डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है नाउन। किसी भी शख्स, जगह या चीज़ या किसी भी आइडिया, प्लान को हम नाउन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, कैट, हाउस, पेंसिल, कराची, अमेरिका, ईटीसी। यहाँ पे हमारे पास कराची, अमेरिका, इस्लामाबाद वगैरह प्लेसेस के नाम आ गए। इसके अलावा हाउस, पेंसिल, ये सब चीज़ें आ गई। और कोई भी नाम हो गया लाइक अली, फहद, फरहा, ईटीसी, पर्सन में आ गए। अब ये चीज़ें हमारे पास नाउन होगी। नेक्स्ट देखते हैं प्रोनाउन। अब ये वो वर्ड्स होते हैं जो एक नाउन की जगह पे यूज़ होते हैं, जैसा कि वहाँ पे हमारे पास था अली, फहद, फरवा। तो अब उनके जगह पे हम यहाँ पे ही, शी, ये वर्ड्स यूज़ करेंगे। तो हमारे पास इसकी एग्जांपल्स क्या हुई, ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, ये सब चीज़ें प्रोनाउन में आई। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट है जी वर्ब। वर्ब भी एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी एक्शन को शो करता है, किसी भी काम के करने, होने या सहने को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, सिट, लाफ, रन, जम्प, इटीसी। यहाँ पे रन का मतलब शो हो रहा है कि वो दौड़ रहा है, पता चल रहा है कि वो क्या कर रहा है। जम्प, इससे मतलब भी हमें पता चल रहा है कि वो उछल रहा है, मतलब उसके काम का पता चल रहा है कि वो क्या एक्शन कर रहा है। तो वर्ब हमारे पास क्या हुआ, एक ऐसा वर्ड जो एक्शन को शो करता है। नेक्स्ट है हमारे पास एडजेक्टिव। ये एक ऐसा वर्ड है जो नाउन को मॉडिफाई करता है, उसको डिस्क्राइब करता है। इसके अलावा ये किसी शय की खूबी या खामी को भी शो करता है। फॉर एग्जांपल, हैप्पी, सैड, रेड, ग्रीन, टॉल, शॉर्ट, ईटीसी। फॉर एग्जांपल, शी वेयर्स रेड ड्रेस। यहाँ पे रेड वो उसकी एडजेक्टिव है, उसकी खूबी है, वो शो कर रही है कि वो रेड कलर का ड्रेस पहनती है। इसके अलावा, यू आर टॉलर देन योर सिस्टर। यहाँ पे शो हो रहा है कि तुम अपनी बहन से लंबे हो, मतलब तुम्हारी हाइट लंबी है, उसकी खूबी शो हो रही है। तो हमारे पास एडजेक्टिव क्या हुआ, जो नाउन को मॉडिफाई करे, उसको डिस्क्राइब करे। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया एडवर्ब। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो वर्ब या एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा करता है, मीन्स के उनके मीनिंग को मॉडिफाई करता है। तो मोस्टली ये एल वाई से एंड होता है, बट हमेशा ये एल वाई से एंड नहीं होता। फॉर एग्जांपल, स्लोली, हैप्पीली, लाउडली, फास्ट, नेवर, नाउ। तो यहाँ पे फास्ट, देखिए फास्ट, ही रन्स वेरी फास्ट। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि वो बहुत तेज़ी से दौड़ता है। नेक्स्ट हो गया ही नेवर टेल्स अ लाई। वो कभी भी झूठ नहीं बोलता, उसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलता। शी स्पीक्स लाउडली, वो बहुत ऊंचा बोलती है, मतलब उसकी मीनिंग में इजाफा कर रहा है कि वो ऊंचा बोलती है। तो एडवर्ब क्या हुआ, जो वर्ब या एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा करे। इसके बाद हमारे पास है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होता है, ये एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है, उसकी लोकेशन शो करने के लिए
या उसका रिलेशन किसी दूसरे वर्ड से शो करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, टू, एट, विद, फॉर, इन, बाय, फ्रॉम, ऐसे वर्ड्स प्रपोजिशन में यूज़ होते हैं. तो प्रपोजिशन हमारे पास वो वर्ड्स हुए जो नाउन या प्रोनाउन को दूसरे वर्ड्स के साथ रिलेट करते हैं. इसके बाद है हमारे पास कंजंक्शन. कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो फ्राजेस, क्लाजेस या वर्ड्स वगैरह को कनेक्ट करवाता है. फॉर एग्जांपल, एंड, बट, और, बिकॉज, ईटीसी, ऐसे वर्ड्स कंजंक्शन में यूज़ होते हैं. यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं बिकॉज की. शी कुड नॉट कम टू स्कूल बिकॉज शी वॉज इल. अब यहाँ पे हमारे पास बिकॉज एज अ कंजंक्शन यूज़ हुआ है जो दो सेंटेंसेस को कंबाइन करवा रहा है, कनेक्ट करवा रहा है. इसके अलावा आप एक और एग्जांपल ले लेते हैं. अली एंड सारा आर गुड फ्रेंड्स. यहाँ पे एंड का वर्ड यूज़ हुआ है जो कि कंजंक्शन है. अब ये दो वर्ड्स को कंबाइन कर रहा है. तो कंजंक्शन हमारे पास क्या हुआ, जो वर्ड्स, फ्राजेज, सेंटेंसेस वगैरह को कंबाइन करवाता है, कनेक्ट करवाता है. तो इसके बाद लास्ट पे हमारे पास आता है इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो फीलिंग्स या इमोशन वगैरह को शो करता है. मोस्टली ये एक्सक्लेमेशन साइन से शो किया जाता है या कोमा से. फॉर एग्जांपल, ओ डियर, वाव, आउच, हुरा, यस, नो, ईटीसी, ऐसे वर्ड्स कंजंक्शन के तौर पर यूज़ होते हैं. ऐसे वर्ड्स हमारे पास इंटरजेक्शन के तौर पर यूज़ होते हैं. तो यूँ हमारे इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट हुए. अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, या कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अल्लाह हाफिज़.